हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो और नए लैपटॉप के साथ। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे, रिव्यू करेंगे दो लैपटॉप का, दो जो दोनों ही ऑलमोस्ट सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ आते हैं। वो है एचपी एनवी 2-in-1 15 इंचेस में आते हैं EW0043TU और जो दूसरा लैपटॉप है वो है EW0040TU। दोनों ही लैपटॉप्स की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ जो दोनों में डिफरेंस है वो है स्क्रीन का। तो हम डिस्कस करेंगे इन दोनों लैपटॉप के बारे में आज। आज हमारे पास है एचपी का सुपर प्रीमियम लैपटॉप। दोनों लैपटॉप जो है वो एनवी सीरीज के हैं। दोनों लैपटॉप i5 12 जनरेशन के साथ है, EW0040TU और EW0043TU। तो चलिए देखते हैं दोस्तों दोनों की कॉन्फ़िगरेशन। देखिए दोनों लैपटॉप आपके सामने हैं, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन आपको हम दिखाते हैं। दोनों है एचपी एनवी X60 2-in-1 लैपटॉप 15 EW0043TU और EW0043TU। अब आप दोनों लैपटॉप देख रहे होंगे, दोनों में सब कुछ सेम है। अगर हम बात करेंगे प्रोसेसर की, i5 12 जनरेशन, दोनों में i5 12 जनरेशन है। 512 GB SSD दोनों में 512 GB SSD है। नो ऑप्टिकल ड्राइव, दोनों में ड्राइव ड्यूटी आइटर नहीं है। दोनों में विंडो 11 है। टच स्क्रीन है, दोनों मल्टी टच अनेबल है। 3 सेल की बैटरी है दोनों में 51 वाक आवर्स के साथ। दोनों में 16 GB की DDR4 रैम लगी हुई है। डिफरेंस आ गया यहाँ पे 15.6 इंची फुल HD OLED डिस्प्ले है 400 निट्स के साथ 0043 में, और यहाँ पे है 15.6 फुल HD IPS डिस्प्ले 250 निट्स के साथ। देखिए दोनों लैपटॉप में डिफरेंस यही है सिर्फ। आगे देखेंगे तो दोनों में 5 मेगापिक्सल का IR कैमरा लगा हुआ है और दोनों में ही HP रिचार्जेबल MPP 2.0 टिल्ट पैन आता है। सब कुछ सेम, ओनली स्क्रीन डिफरेंस इज देयर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज एक लैपटॉप हम ओपन करेंगे दोनों में से, दोनों की सेम कॉन्फ़िगरेशन है तो एक लैपटॉप आपको ओपन करके दिखाऊंगा। और हाँ, आज भी हम लैपटॉप को ऑपरेशन करेंगे, लैपटॉप को फिजिकली ओपन करके आपको सुपर प्रीमियम लैपटॉप के अंदर दिखाएंगे कौन कौन से पार्ट्स कहाँ कहाँ पे लगे हुए होते हैं। और हाँ, अभी भी जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आगे भी इन फ्यूचर हम ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे। नए नए लैपटॉप जो भी मार्केट में आएंगे हम सबकी अनबॉक्सिंग करेंगे, सबके आपको रिव्यू करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, करते हैं लैपटॉप की अनबॉक्सिंग। तो लैपटॉप हमने बॉक्स से निकाल लिया है, मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ लैपटॉप में आता क्या क्या है। 65 वाट का टाइप सी अडेप्टर होता है, ये नॉर्मली राउंड पिन आती है, इसमें सुपर प्रीमियम लैपटॉप है, इसमें टाइप सी है अडेप्टर, पावर केबल प्रीमियम पावर कोड आती है। ये रिचार्जेबल पेन होता है, आप ये टच स्क्रीन के साथ आता है, आप इस पे टच स्क्रीन के यूज करने के लिए पेन आता है। तो दोस्तों ये है आपका लैपटॉप HP सुपर प्रीमियम NV सीरीज। देखिए अभी तक मोस्टली जो HP लैपटॉप दे रहा था वो 13.3 इंचेस में दे रहा था NV सीरीज के, या 14 इंचेस में। लैपटॉप ने HP ने रिसेंटली 15 इंचेस के NV सीरीज लॉन्च करनी शुरू करी है, जिसके दो मॉडल आज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए लैपटॉप हमने बूट अप कर लिया है, बात करेंगे हम अब लैपटॉप की। अगर हम इसकी बात करते हैं तो 15.6 इंचेस का लैपटॉप है, फुल साइज इसका कीबोर्ड आता है, लेकिन इसमें कीबोर्ड जो आता है वो विदाउट न्यूमेरिक कीपैड आता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये मार्केट के अंदर होता है कि अगर 15.6 इंच का लैपटॉप है तो वो न्यूमेरिक पैड के साथ ही उसका कीबोर्ड होगा, लेकिन इसका जो कीबोर्ड है वो विदाउट न्यूमेरिक कीपैड है, क्योंकि दोनों साइड्स में उसके बी एंड ओ के स्पीकर्स लगे हुए हैं। बैकलाइट फुल साइज कीबोर्ड है, की टर्निंग स्पेस बड़ा अच्छा है इसका, आप टाइप करने चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, स्पेस काफी है इसमें। अच्छा, इसके अंदर जो कीबोर्ड है उसमें 2-3 चीजें नई ऐड करी गई है, 2-3 कीज अगर मैं बात करूंगा। एक इसमें इमोजी की एक्स्ट्रा ऐड करी गई है, एक आपका शॉर्टकट की है जो आपकी F12 पे आती है, और NV सीरीज है इसके अंदर फिजिकल शटर भी दे रखा है, फिजिकल कैमरा शटर जो हमारा एक बटन है, आप आगे डिस्कस करेंगे जब हम कैमरे के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसकी बॉडी के बारे में। अगर मैं बात करूं, बहुत ही परफेक्ट बिल्ड क्वालिटी होती है, बहुत स्लीक लैपटॉप आते हैं NV के, जो इसमें भी है। अगर हम बैक साइड में देखेंगे तो दो रबड़ दे रखी है, साथ में वेंट दे रखा है कूलिंग के लिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन की। देखिए सबसे पहले आता है प्रोसेसर। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी हमने डिस्कस किया था EW0040 43TU में एक डिफरेंस है स्क्रीन का, एक डिफरेंस और है, वो है प्रोसेसर का। देखिए दोनों ही i5
1235 यू प्रोसेसर है, लेकिन जो आपका EW0040 TU में आता है वो इंटेल ईवो सर्टिफिकेशन के साथ आता है, बाकी डिफरेंस नहीं है। अभी हमने जो ओपन कर रखा है वो है EW0043 TU, जिसके अंदर ईवो सर्टिफिकेशन नहीं है। ये हम आपको प्रोसेसर दिखा रहे हैं, उसका 12 जन प्रोसेसर है, i5-1235U प्रोसेसर। बेस स्पीड इसकी होती है 1.3 GHz, लेकिन टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है ये लैपटॉप। बात करेंगे मेमोरी की, 16 GB की रैम है, 3200 MHz स्पीड है, दो स्लॉट्स है, दोनों ही यूज है, इंटेल आयरिस एक्सी ग्राफिक है, तो हमेशा आयरिस एक्सी के लिए दोनों स्लॉट्स यूज होना जरूरी होता है। अगर 8 GB रैम है तो दोनों में 4-4 GB की लगी हुई होगी, अगर 16 है तो दोनों में 8-8 GB लगी हुई होगी। अगर ये कन्वर्ट कर देंगे 16 GB की एक स्लॉट के अंदर, तो इंटेल आयरिस एक्सी ग्राफिक्स वर्क नहीं करेगा, इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स वर्क करेगा उसमें। आगे बात करते हैं एसएसडी की, हाइनेक्स की 512 GB की आपकी इसमें एसएसडी लगी हुई है, कैपेसिटी मिलती है आपको 477 GB। वाईफाई आते हैं, वाईफाई 6E इसमें आपको लगा हुआ है। अगर आपका राउटर एडवांस है, 5G सपोर्ट करता है, तो आपको स्पीड इसमें बहुत अच्छी मिलेगी। यहां देखते हैं हम ग्राफिक्स, इंटेल आयरिस एक्सी ग्राफिक्स, जैसा मैंने आपको बताया कि 8-8 GB की दो रैम लगी हुई है, इसलिए इंटेल आयरिस एक्सी ग्राफिक्स इसमें वर्क कर रहा है। इसमें अपनी कोई भी डेडिकेटेड मेमोरी नहीं है, शेयर्ड मेमोरी है 7.9 GB की, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। यहां पे अगर हम बात करेंगे EW40 की और EW43 की, तो सिर्फ प्रोसेसर में डिफरेंस है। 40 के अंदर EW0040 के अंदर इंटेल ईवो i5 आता है, और आपका 0043 के अंदर इंटेल कोर i5 के साथ आता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की। देखिए अभी हमने आपको बताया दो मॉडल आते हैं, EW0040 EW0043, दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो स्क्रीन का ही है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जो हमने लैपटॉप ओपन कर रखा है EW0043 TU, उसमें कौन सी स्क्रीन है, यह है 15.6 इंच की फुल HD OLED मल्टी टच अनेबल्ड डिस्प्ले। अगर हम बात करेंगे तो इसका जो ग्लास है वो H2 एज है, और लो ब्लू लाइट के साथ ये आपको मिलता है 400 nits में। यहां पे ये आपका आता है OLED मल्टी टच डिस्प्ले। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैमरे की। इसमें जो कैमरा आता है वो है ट्रू विजन 5 MP IR कैमरा शटर के साथ। फिजिकल शटर आपको इसमें मिलता है, नीचे बटन दे रखा है, बटन क्लिक करेंगे तो आपका शटर क्लोज हो जाता है। ये आपको आज की डेट में बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि अब हैकिंग होने लगी है और हैक करके कोई भी आपके लैपटॉप के कैमरे को ओपन कर सकता है आपकी इंफॉर्मेशन या आपकी नॉलेज के बिना। अगर हम बात करेंगे दूसरा जो हमारा EW0040 है, उसमें भी 5 MP IR कैमरा आता है शटर के साथ, और डुअल एरे डिजिटल माइक्रोफोन के साथ आपको दोनों ही लैपटॉप में कैमरा मिलता है। तो चलिए दोस्तों समय आ चुका है लैपटॉप को ओपन करने का, शुरू करते हैं और लैपटॉप का ऑपरेशन करते हैं और इसके अंदर के सारे पार्ट्स आपको दिखाते हैं। लैपटॉप हमारा ओपन हो चुका है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रोसेसर। जो इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है वो यहां पे प्रोसेसर लगा हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा यहां प्रोसेसर लगा हुआ है जो हीट सिंक के थ्रू कनेक्ट है फैन के साथ। ये आपका पूरा मदरबोर्ड है आप देख रहे हैं। अच्छा, इसमें आपको रैम और SSD नहीं दिखाई दे रही होगी, मैं बता दूं मेटल से कवर कर रखी है ये SSD, इसमें लगी हुई है 512 GB की NVMe। और अगर हम रैम की बात करेंगे तो यहां पे आपकी दो रैम लगी हुई है 8-8 GB की, यानी टोटल 16 GB रैम है। आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, 16-16 की दो आप रैम इसमें लगा सकते हैं। अब बात करेंगे, ये है आपका वाईफाई 6 जो आपको हमने दिखाया था। ये आपकी है बैटरी, 3 सेल की बैटरी है 51 Wh के साथ। देखिए मैं आपको इसका बता दूं, जो इसका ओवरऑल वेट है लैपटॉप का वो है अप्रॉक्सीमेटली 1.6 kg। अगर आप देखेंगे यहाँ पे USB वगैरह जो सब कुछ कनेक्टेड है इस लैपटॉप में, और कुछ बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप इसमें एक्स्ट्रा SSD या हार्ड ड्राइव नहीं लगा सकते। एक और देखो तो B&O के यहाँ पे दो स्पीकर्स जरूर मैं आपको दिखा दूँ, ये जो दो स्पीकर्स लगे हुए हैं B&O के। तो दोस्तों जैसा कि आपने इसमें देखा,
इसमें आपकी 8-8 GB की दो रैम है, आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं, 16-16 GB 2 GB दो आप रैम लगा सकते हैं, 32 GB हो जाएगी। एक आप इसमें SSD अपग्रेड कर सकते हैं, दैट मीन्स पुरानी SSD को निकाल के आप नई लगा सकते हैं, ऐसी रैम को पुरानी निकाल के नहीं लगेगी। इसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं हो सकती, आप इस लैपटॉप का हाइब्रिड नहीं बना सकते हैं। इसमें दो हार्ड डिस्क या दो SSD लगाने का स्पेस HP ने नहीं दिया है। तो इन शॉर्ट सिर्फ दो SSD रैम दोनों अपग्रेड होंगी, लेकिन दोनों पहले वाली निकाल करके तब आप अपग्रेड करो। तो दोस्तों हमने लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन देख ली है पूरी, उसको रिव्यू कर लिया है, हमने दोनों लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में देखी। अब समय आ गया है कि दोनों में से लैपटॉप लेना कौन सा बेटर है। देखिए सबसे पहले तो ये बात करता हूँ कि लेना किसको चाहिए। देखिए मार्केट में बहुत लोग होते हैं जिनको टच स्क्रीन की जरूरत होती है, लेकिन अगर हम HP में भी देखेंगे तो पवेलियन सीरीज जो आती है वो 14 इंचेस में आती है, तो काफी लोगों को 15.6 इंचेस के अंदर टच स्क्रीन चाहिए होती है। अब से पहले बहुत ज्यादा वैरायटी अवेलेबल नहीं थी मार्केट के अंदर 15.6 इंचेस के अंदर टच स्क्रीन में। अगर हम ब्रांड्स की बात करेंगे तो HP हो या डेल हो या लेनोवो हो या हम आसूस की भी बात करेंगे, तो मोस्टली सभी ब्रांड्स के अंदर जो टच स्क्रीन वाले लैपटॉप आते हैं या तो वो 13.3 इंचेस होते हैं या 14 इंचेस। ये नए सेगमेंट्स हैं जो आप HP ने NV में लॉन्च किए हैं, 15.6 इंचेस टच स्क्रीन विद 2-in-1 के साथ। 2-in-1 मैं आपको बताता हूं, वैसे तो मोस्टली पता ही है लोगों को, ये देखिए 360 डिग्री रोटेट हो जाता है और जहां भी आप रोटेट करेंगे ये लैपटॉप आपका मूव कर जाएगा। ठीक है, इसकी स्क्रीन जिस भी आप मोड में आप लेके आएंगे उसी मोड में वहीं पे वो कन्वर्ट हो जाएगी। जब आप पूरा इसे 360 कन्वर्ट में कर लेते हैं तो इसका जो कीबोर्ड है वो यूज होना, यानी मैं कहूं उसका काम करना बंद कर देता है। तो देखिए जिनको भी 15.6 इंचेस टच स्क्रीन की जरूरत है, लाइट वेट में चाहिए, वो ये लैपटॉप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोनों लैपटॉप में डिफरेंस की, कि हमें EW0040TU लेना चाहिए या EW0043TU लेना चाहिए। देखिए अगर आपने ग्राफिक्स का देखना है, देखिए स्क्रीन का सबसे मेजर डिफरेंस है, टच स्क्रीन दोनों ही है, दोनों फुल HD है, लेकिन 0043 में OLED स्क्रीन आती है 400 निट्स के साथ 100% RGB में, जो हमने आपको अभी दिखाया। तो जब आप यहां पे देखेंगे तो आप अगर स्क्रीन पे जाएंगे तो आपको EW0043TU ही आपको लेना होगा। देखिए EVO बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है अभी आज के डेट में, मे बी इन फ्यूचर मैटर करेगा, लेकिन अगर हम इसमें देखेंगे तो हमारी स्क्रीन में EW0043TU काफी बेटर है। लेकिन हाँ, दोनों के प्राइस में भी डिफरेंस है। जो EW0040TU आता है वो आता है अप्रॉक्सिमेटली 80-85,000 के आसपास, और EW0043TU आपको मार्केट में मिल जाएगा 90-95,000 के अप्रॉक्स। तो अप्रॉक्सिमेटली दोनों में 10,000 का डिफरेंस आपको मिलता है। तो यहां भी आप जब खरीदने जाएंगे तो यहां देखने की बात जरूर होगी। बात करते हैं इसकी वारंटी की। HP इसके साथ 1 ईयर की ऑन साइट वारंटी देता है और टाइम टू टाइम वारंटी को अपग्रेड करने की भी ऑफर्स देता रहता है। जब आप HP वर्ल्ड पे जाएंगे लैपटॉप को लेने के लिए, तब आप वहां पे जो सेल्स पर्सन होगा वहां पे जरूर बात करिएगा इसकी वारंटी अपग्रेडेशन के लिए। मैं इसमें एक चीज बता दूं, HP इस लैपटॉप में भी एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन भी देता है। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं जब भी आप टच स्क्रीन लैपटॉप लेने जाएं तो एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन जरूर लीजिएगा, और हमेशा एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन HP से ही लीजिएगा, कभी भी थर्ड पार्टी मत लीजिएगा। इसमें HP आपको 100% स्क्रीन रिप्लेसमेंट देता है अगर स्क्रीन डैमेज हो जाती है तो। और जितने भी टच लैपटॉप आते हैं उनकी स्क्रीन्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। दिल्ली में कुछ HP वर्ल्ड के जो एड्रेसेस हैं और लिंक्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहां पे जाके लैपटॉप को फील करके देख सकते हैं, और आप परचेज करना चाहें तो आप परचेज भी कर सकते हैं, वहां से आपको अच्छी डील मिलने की संभावना पूरी पूरी रहती है। अगर लैपटॉप में कोई पॉइंट्स रह गए हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे। कोई भी आपका क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड लैपटॉप से, इससे दूसरे लैपटॉप के रिलेटेड भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी हम वीडियोस लेके आते रहेंगे, और जो जो नए मॉडल्स मार्केट में आएंगे हम पूरी कोशिश करेंगे उनको आपको फिजिकली ओपन करके भी दिखाएं। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नए लैपटॉप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।